वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक मास्टरफुल शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है थ्री क्वेश्चंस। इस स्टोरी को लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। लियो टॉल्स्टॉय का जन्म स्थान है रशिया का टूला प्रोविंस। इस स्टोरी में ऑथर ने एक मेडिएवल पीरियड को डिपिक्ट किया एंड एक स्लेविक मॉनार्क के बारे में बोला जिसका टाइटल है जार। ऐसे तो इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट जो है वो है जार, बट हमें तीन कैरेक्टर्स को हम इस स्टोरी में देख सकते हैं। तो एक दिन जार के मन में थ्री क्वेश्चंस आया था। ये जो थ्री क्वेश्चंस आया था ये सिर्फ जार के लिए ही इम्पोर्टेंस नहीं था बल्कि हमारे ज़िंदगी के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है वो तीन क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चंस जो था, किसी भी काम करने का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वक्त कब होता है एंड हमारे साथ रखने वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन होता है एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क कौन सा है। जार को तो अपने क्वेश्चंस का आंसर चाहिए था, इसलिए उसने क्या किया ना, रिवॉर्ड का डिक्लेयर किया। तो ये सुनकर उसके किंगडम में जितना भी लॉर्ड मैन था वो आया एंड जार को अलग अलग आंसर उसको दिया। सभी का आंसर सुनने के बाद भी जार संतुष्ट नहीं था, एक्चुअली उसके मन में संतुष्टि का भाव नहीं था। तो उसी वक्त उसके किंगडम पर एक हार्मिट था जो बहुत ही काइंड पर्सन था एंड ज्ञानी व्यक्ति था। तो राजा ने जार ने क्या किया ना, उसने अपना भेष बदलकर एक दिन हर्मिट के पास गया। तो उस वक्त हर्मिट कुछ काम में बिजी था, एक्चुअली वो क्या कर रहा था ना, मिट्टी फोड़कर फूलों के पेड़ लगा रहा था। तो जार ने उस हर्मिट को हेल्प करना चाहा उसके काम में, बट हर्मिट ने जार को परमिशन दे दिया। तभी क्या होता है ना, नज़दीक में एक जंगल था, उस जंगल से एक बियर्ड मैन निकल कर आया एंड उसके पेट में एक जगह पर चोट लगा था एंड चोट की जगह से बहुत ही ब्लीडिंग हो रहा था। ये देखकर जार ने क्या किया ना, उसका केयर किया एंड जो स्टोमक ओंड था उस जगह पर बैंडेज कर दिया। तब जाकर वो बियर्ड मैन जार को बोलता है वो अपना रिवेंज लेने के लिए जार को मारना चाहता था। और क्या किया ना, जार के सामने उसने क्षमा प्रार्थना की। ये बातें सुनकर जार उसको क्षमा कर दिया एंड जो बियर्ड मैन था वो उसका बाकी का जो ज़िंदगी था वो एक कन्फिडेंशियल सर्वेंट की तरह जार के साथ बिताना चाहा। तो जार ने इसी बात को एग्री किया। तो फिर जाकर स्टोरी के एंड में क्या होता है ना, हर्मिट जार को उस थ्री क्वेश्चंस का आंसर देता है। तब उसको बताता है सबसे ज़्यादा किसी भी काम करने का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वक्त है प्रेजेंट टाइम, दैट मीन्स वर्तमान समय। और हमारे साथ रखने वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन है आप जिसके साथ हो एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है आप जिसके साथ हो उसका उपकार करना। एक्चुअली हर्मिट ने जो थ्री क्वेश्चंस का आंसर दिया था उसके आंसर में हम कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज़ का रिफ्लेक्शन हम वहाँ पर देख सकते हैं। और यूनिवर्सल वैल्यूज़ जिसमें विजडम, काइंडनेस ये सब इंक्लूड रहता है।